हिमाचल में एक बार फिर से बयानबाजी शुरू हो गई, जहां इसी कड़ी में कांग्रेस नेता, कामगार और कर्मचारी कल्याण बोर्ड के वाइस चेयरमैन सुरेंद्र सिंह मनकोटिया ने बीते कल प्रदेश में उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को सम्मानीय बताते हुए कुछ नेताओं को मौका परस्त कहते हुए साथ छोड़ने की संज्ञा दी है। विक्रम सिंह ठाकुर ने उक्त बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि वह कांग्रेस की चिंता छोड़कर अपनी भाजपा की चिंता करे। सुरेंद्र सिंह मनकोटिया ने प्रदेश उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर को आड़े हाथे लेते हुए कहा कि भाजपा भी चार चार पांच पांच गुटों में बटी हुई है, ऐसे में विक्रम सिंह ठाकुर को ऐसे बयान देना शोभा नहीं देता। हम माननीय मंत्री श्री विक्रम ठाकुर जी से ये अनुरोध करते हैं कि तुझे पराई क्या पड़ी अपनी निबेड़ तू, जो बीजेपी तीन तीन चार चार गुटों में बटी हुई है, आपने अनुराग जी को, धूमन जी को डिच कर दिया और जयराम ठाकुर जी गलबगियां लगा रहे हैं। आप अपनी पार्टी के बारे में सोचो और जिन्होंने आपको बढ़ाया, जिनको आपने छोड़ दिया, आप उसकी बात करो। राजा साहब हिमाचल प्रदेश के 6 बार के मुख्यमंत्री हैं, उनका जो रुतबा है वो किसी का रुतबा ना कांग्रेस ना बीजेपी में इतना है। आज हिमाचल प्रदेश वो सर्वोसर्वी है, सर्वोसर्वा है, कांग्रेस पार्टी में सर्वोसर्वा है। उनकी देखना, उसकी रहनुमाई में ही सारे काम हो रहे हैं। जहां प्रदेश इन दिनों कोरोना महामारी से लड़ रहा, वहीं भाजपा सरकार राजनीति करने में लगी है, जो कि सही नहीं है। कोरोना काल में सभी को एकजुट होकर एक दूसरे की सेवा करनी चाहिए, लेकिन इस महासंकट की घड़ी में पक्ष विपक्ष के लोग राजनीति चमकाने में लगे हैं, और ऐसे में विकट घड़ी में पक्ष विपक्ष को चाहिए कि आम जनता की सहायता करे, कोरोना वॉरियर्स की मदद करे, ताकि कोरोना महामारी से लोग जो जूझ रहे हैं ऐसे मरीजों को हिम्मत मिल सके। इसी के चलते सुरेंद्र सिंह मनकोटिया ने विपक्ष पर निशाना साधा है।